हमें इतनी अच्छी तरीके से तो पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि जो रैली पॉलिटिशियंस की निकल रही थी और उसमें कुछ उनके ही गुंडे थे या कुछ बाहर के लोग थे जिन्होंने मयूरी के ऊपर रंग डाला, और गोमुख के एतराज़ करने पर उसके साथ हाथापाई की, उसे जो उसके कपड़े फाड़ दिए और बहुत बहुत पिटाई की। मेरे देवर के मन में जो विश्वास रहा है अभी तक का हमारे संस्कारों को लेकर, या जो भी कॉन्फिडेंस था, वो अभी बिल्कुल चरमरा सा गया है। और वो कॉन्फिडेंस तभी वापस आएगा जब उसे लगेगा कि हाँ, सिस्टम में ऐसे लोगों या ऐसे गुंडों के लिए सज़ा है, या ऐसे गुंडों को भी सज़ा मिलती है। और क्या रिएक्शन था जब मयूरी घर पे आई थी? हम तो नॉर्मली अपने घर के काम कर रहे थे, और जैसे ही वो दोनों इस हालत में आए, वी वर शॉक्ड, क्योंकि हमने कभी भी इस तरह की चीज़ें तो होती ही नहीं है हमारे शहर में। बहुत अच्छा शहर है हमारा, और शांति से ये लोग बस मार्केट गए थे, तो इस तरह से उनका वापस आना और कुछ समझा ना पाना। गोमुख भैया अपने ऊपर पानी डाल रहे थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे, और मयूरी की इतनी बुरी हालत थी, उसके कपड़ों पर, उसके चेहरे पर रंग लगा हुआ था, तो हम बहुत डर गए थे। आगे क्या क्या देखने मिलेगा? किस किस तरह का ट्विस्ट एक्चुअली ये कहानी थोड़ा सीरियस नोट पर है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने वो भी समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि मनोरंजन के माध्यम से उन्हें कुछ सीखे मिल जाएं लाइफ को लेकर। हम लोग ज़्यादातर जब हमारे पेरेंट्स हमें संस्कार सिखाते हैं या अच्छी वैल्यूज़ देते हैं, तो हम उन वैल्यूज़ पर तब तक टिके रहते हैं जब तक उन वैल्यूज़ को तोड़ने के लिए कोई सिचुएशन नहीं आ जाती। अब यहाँ पर ऐसा हमारे साथ दिखाया गया है कि हमारी वैल्यूज़ को तोड़ने वाली सिचुएशंस आई हैं। अब उस सिचुएशन का हम कैसे सामना करते हैं और अपने वैल्यूज़ पर बने रहते हैं, और किस तरह से हम विजयी होकर निकले। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप हमेशा हमें प्यार देते हैं, हमें इतना सराहते हैं, हमारे हर एपिसोड को देखते हैं, हर स्टोरी से प्यार करते हैं। ये किरदार जितने भी चिड़ियाघर के हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि आप लोग हैं और आपका प्यार है, तो आप ये प्यार हमेशा बनाए रखिए। और हम आपसे ये वादा करते हैं कि हर हफ्ते, हर